हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग का स्वागत है। आज लोग हम लोग देखेंगे व्हाट्सएप फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं हीट और आज की क्लास में पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, समान सरल प्रतिबल और विकृति। हम लोग आज क्लास में देखेंगे सिंपल साधारण प्रतिबल और विकृति हम लोग पढ़े क्लास में। ये सेकेंड ईयर का महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोनों टेट को पढ़ना है, लेमसिन और फीडर दोनों टेट लिया गया है, कॉमन पेपर है। तो आज हम जानेंगे इसके इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है, जानते हैं पहला टॉपिक है प्रत्यास्था किसे कहते हैं। ये सब बोलते इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था किसे कहते हैं। सबसे पहले जब किसी वस्तु को कोई बल लगाया जाएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो क्या होगा वो किसी वस्तु को, मतलब मान लो कोई वस्तु है रबर, रबर है, किसी वस्तु खींचा गया फिर इसको छोड़ दिया, बल को कुछ समय बाद छोड़ दिया तो क्या आ गया, ये अपने ओरिजिनल साइज पर आ गया। जब ये अपने ओरिजिनल साइज पर आ गया इसको बोलेंगे प्रत्यास्था बोलेंगे। जब किसी वस्तु को कोई बल लगाया जाता है, खींचा जाता है, कुछ समय पुनः बल को हटा दिया जाएगा तो पुनः अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे प्रत्यास्था बोलेंगे। इंग्लिश बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे, आप लोग देखे हुए गांव में बांस होता है, बांस जिसको बांस बोलते हैं, बांस कहते हैं, बांस रखा होता है, उसको हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है, जाए क्या होता है, झूलता है, आंगनी से होता है, आंगनी से होता है, कुछ समय बाद क्या होता है अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। क्या उसमें चेंज होता है, उसका कारण चेंज होता है, नहीं उसके कारण में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो स्ट्रीट, जैसे हम लोग घर, जैसे हम लोग घर बनता है कुछ क्या लगता है, छड़ लगता है, छड़ को कुछ हम लोग टिकते हैं तो क्या करता है कंपन करता है, कुछ समय बाद कंपन करने के बाद क्या होता है अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है। देखो वहां हम लोग उसे तीर क्या किए, हम लोग बल लगाए, जब उसको हम खींचे या ऐसे हिलाए क्या किए, हम लोग उसको बल लगाए, जब बल लगाए तो कुछ समय बाद क्या किया कंपन हुआ, कंपन हुआ उसके बाद क्या किया अपने ओरिजिनल साइज पर आ गया, उस तरह क्या है उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे। हिंदी क्या बोलते हैं प्रत्यास्था बोलेंगे। इलास्टिसिटी मतलब समझिए, कुछ वस्तु पर बल लगाया जाए, पूर्ण बल को हटा दिया जाए, अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको प्रत्यास्था बोलेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। माइल स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, मैंने जो छड़ होता है उसको ऐसे हिला देंगे जोर से, उस समय कंपन करेगा और इलास्टिसिटी में आ जाएगा, सबसे ज्यादा उसका इलास्टिसिटी होता है। हम लोग जानेंगे प्रतिबल किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रतिबल है, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। मान लो किसी वस्तु को हम लोग बल लगाते हैं, जैसे किसी वस्तु को बल लगाते हैं तो क्या करता है वो बल को क्या करता है विरोध करता है। जैसे मान लो वस्तु मान लो ब्लैक बोर्ड है, हम क्या किए बल लगाए, बल क्या है, बल क्या कर रहा है वस्तु क्या कर रहा है, जो दीवार है वो क्या कर रहा है विरोध कर रहा है, विरोध नहीं करता तो क्या करता है दीवार आगे से पीछे टूट जाता है। ठीक है, जब किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल को बल लगता है जो उसका विरोध करता है इंटरनल स्ट्रेस तो क्या बोलेंगे उसको प्रतिबल करते हैं। मतलब कोई विरोध करता है, मतलब हम तुम जैसे एग्जाम्पल लो, इस वस्तु है, ये वस्तु है, इसको हम लोग क्या किए इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहा है उस समय तक विरोध कर रहा है, जब विरोध कर रहा है बल को रोक रहा है तो क्या बोलेंगे उसको स्ट्रेस बोलेंगे। जब वस्तु को हम बाहरी दबाव दे रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इसका अंदर से है, अंदर से क्या कर रहा है इसका खुद का सिर्फ ताकत, जैसे हम लोग बॉडी है, हम लोग कोई मरता है हम खुद से उसको रोकते हैं, अपना क्या होता है ताकत होता है, अपना खुद का बल होता है जिससे हम रोकते हैं, उसको बोल क्या बोलेंगे हम लोग उसको स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो जैसे बैलून, बैलून है, बैलून से पता चलता है बैलून भरा हुआ खुला हुआ रहता है, बैलून खुला हुआ रहता है, जब उसमें कांटे चुभाते हैं तो कुछ समय तक रहता है, जब तक उसको सहन की क्षमता होता है तब वो क्या करता है कांटे के सह जाता है, लेकिन उससे ज्यादा होता है क्या होता है बैलून कहता है फट जाता है। कोई घड़ी होता है, मान लो दीवार है, दीवार में कोई धाता है मान कोई थोड़ा सा मरता है तो कब तक नहीं टूटता, जब उसका जितना ताकत खुद का है उससे ज्यादा ताकत आ जाएगा तो क्या होगा वो टूटता है, मान तब ले वो विरोध करता है। जैसे दीवार है, हम दीवार मैंने इसको हम पीछे देखे थे, पीछे की तरफ धक्का दे रहा है तो क्या है धक्का हमें अपनी दीवार खिसक रहा है, नहीं क्या कर रहा है इतना इसमें ज्यादा प्रतिबल है जो मेरा क्या कर रहा है विरोध कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कैसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल तो हम लोग निकालते हैं, इसका न्यूमेरिकल
भी देखेंगे, आगे जब क्लास पढ़ेंगे जब अगला क्लास आएगा इसका हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? आरोपित बल। आरोपित बल क्या होता है? बल कैसे प्रयोग करते हैं एक से, ठीक है, वस्तु का मूल अनुपात कार का क्षेत्रफल माने एरिया, मतलब किस एरिया तक हम बल लगा रहे हैं उस एरिया का बटा मतलब तो हम क्या करते हैं स्ट्रेस निकालेंगे, प्रतिबल निकालेंगे। हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे क्लास में, हम लोग इसका यूनिट हो जाएगा। अगर हम लोग फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या क्या होता है? एरिया होता है मीटर, मीटर स्क्वायर होता है न्यूटन, और मीटर स्क्वायर को हम लोग स्ट्रेस होते करते हैं न्यूटन पे यूनिट होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे डिग्री, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन। अब हम जाएंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में बनता है विकृति। जब किसी किसी वस्तु पर बार बार लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बार बार लगाते हैं तो वस्तु के डायमेंशन में चेंज होता है, माने उसका लेंथ में क्या होगा? चेंज होगा। जैसे लोहा, लोहा पर हम लोग थोड़ा मारेंगे क्या होगा? कुछ ना कुछ 1 mm या 0.0.11 माइक्रोन क्या होगा? उसका डायमेंशन में चेंज होगा, घटेगा या बढ़ता है। ज्यादा चांस है लोहा पर हम बार बार लगाएंगे तो क्या होगा? फैलेगा। लोहा क्या होता है? हल्का है, डायमेंशन ज्यादा होता है, क्या होगा? मारेंगे तो क्या होगा? फैलेगा, एक डायमेंशन चेंज होगा। किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं उसमें डायमेंशन में, मान लो लंबाई चौड़ाई में कुछ अलग फर्क आया तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेन बोलेंगे। जब किसी वस्तु को हम बाहर बल लगाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ अंतर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? विकृति बोलेंगे, ठीक है। इसलिए रबर, रबर का पहले ओरिजिन से यही था, लेकिन कुछ बल लगाए तो क्या होगा? कुछ साइज में हल्का सा नए हो 1 μm, बहुत छोटा सा अमाउंट क्या होगा? साइज का बढ़ेगा, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग गर्म करते हैं आज इस तरह से देखते हैं तो क्या होगा? साइड का क्या होगा? सिकुड़ेगा, मतलब कमेगा, श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज होगा तो क्या उसका डायमेंशन क्या हो गया? चेंज हो गया, लंबाई क्या हो गया? घट गया। उसी को बोला है विकृति। से जब किसी वस्तु पर बार बार लगाने पर के कारण वस्तु की लंबाई लंबाई में वृद्धि या कमी क्या बोलते हैं? स्टेप बोलते हैं या विकृति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसको बोलते हैं लंबाई में परिवर्तन बेटा मूल लंबाई, इसको हम विकृति बनाएंगे। क्या होगा इसको? चेंज लेंथ और लंबाई पर क्या होता है? L1, L2 मान लो L2 - L1 बटन क्या होगा? L क्या होगा? L1 + L2 है ना, यहाँ पे इसका डायमेंशन नहीं होगा। क्यों डायमेंशन नहीं होगा? मान लो हम लंबाई किस में करते हैं? मीटर में। इसे लंबाई में मीटर में ये डायमेंशन लेस होगा, मीटर मीटर क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसका डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के प्रतिबल होते हैं, जैसे होता है तनाव प्रतिबल, टेंसाइल फोर्स सीरीज बोलते हैं इसको, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। जब किसी वस्तु को बल विपरीत दिशा में लगे उसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स बोलेंगे या तनाव प्रतिबल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे, ये रबर है, हम इसको इस तरह से माने बीच में कोई वस्तु है, इसको दोनों तरफ हम बल लगाएंगे, दोनों तरफ खिंचा हो रहा है, दोनों हाथ से खींच रहा है, अगर हमको एक तरफ से खींच रहा है इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। दोनों तरफ से अगर हम वस्तु को खींचेंगे क्या बोलेंगे? दोनों हम एक तरफ इधर खींच रहे हैं, एक तरफ इधर, दोनों विपरीत दिशा में हुआ, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है मतलब एक वाई डायरेक्शन जा रहा है, क्या विपरीत दिशा में लग रहा है। जब दो विपरीत दिशा में लगा बल लगा उसको बोलेंगे तनाव प्रतिबल बोलेंगे। देखो कितना फोर्स इधर लगा रहा है डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इधर लगा रहा है, क्या बोलेंगे उसको? तनाव प्रतिबल बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल एक ही अक्ष पर लगे, जब एक ही अक्ष पर लगेगा बल क्या बोलेंगे उसको? कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट है, इसका फोर्स किस तरह से लग रहा है? इस तरह से ही डायरेक्शन में इस तरह ही आ रहा है, सेम इस तरह जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक ही अक्ष पर आएगा तो क्या होगा? कंप्रेसिव
फोर्स बोले जैसे अगर बॉल इस तरफ लगा क्या भाई स्पीड है क्या भाई इसका हल्का सा लेंथ क्या है ऊपर की तरफ जाएगा हल्का सा इसे रेस्ट क्या होगा इसरा है ऐसे बॉल लगा दो तो जाएगा तो अगर वो ऑब्जेक्ट का है अगर मिर्ची रहेगा टीम है क्या होगा ऑब्जेक्ट के इसका लेंथ क्या रहेगा बढ़ जाएगा ये इसका ये मोटाई बढ़ जाएगा लेकिन जो लंबाई है क्या होगा घट जाएगा ठीक है इसे बोलेंगे हम लोग स्पिंडल प्रतिबल बोलेंगे हम लोग जानेंगे शेयर स्ट्रेस किसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर टेंजेंट को बल लगता है या पैरेलल बल लगेगा तो बोलेंगे कर्तन प्रतिबल कहेंगे जैसे एग्जांपल ले लिए क्या शेयर फोर्स इसे बल किस तरह से कोई भी डायरेक्शन में चलता है कोई जाए माने फिक्स नहीं है कि विरोध भेद है स्पर्श है ठीक है क्या करो टेंजेंट को अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है यहां पर भी टेंजेंशियल यहां पर फोर्स लग रहा है पैरेलल लग रहा है या कोई फोर्स जो लगा रहा है एक फोर्स इधर खींच रहा है एक फोर्स इधर खींच रहा है क्या करो जो लगा रहा है क्या करो पैरेलल हो गया पैरेलल हो गया टेंजेंशियल हो गया पैरेलल भी लगेगा टेंजेंशियल भी लगेगा वो बल का बोलेंगे हम लोग शेयर स्ट्रेस बोलेंगे तो हम लोग आज क्लास में देखे किसको बोलते हैं प्रतिबल किसको बोलते हैं विकृति टाइप्स ऑफ विकृति प्रत्यास्थता किसे कहते हैं जब हम अगला क्लास में आएंगे तो इससे बेस्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे हुक्स लॉ के बारे में जानेंगे ठीक है इसके आज के लिए धन्यवाद।